हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आनंद कुमार कर्ण अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडियाज नंबर वन पर आपके बीच उपस्थित हूं। बहुत ही सुंदर सा सॉल्यूशंस लेकर, बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ मैजिकल सॉल्यूशन आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। वीडियो को अगर आपने देखा होगा, मेरा पिछला लास्ट वीडियो वगैरह, और अगर पसंद आ गया हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो पहला नोटिफिकेशन आप पर जाएगा। और दोस्तों, मेरे कोचिंग के जो संचालक महोदय हैं, डायरेक्टर महोदय हैं, उनका नंबर मैं पर डे स्टार्ट में ही अब लिख दिया करता हूं। मिस्टर राजू जी का, ये मेरे कोचिंग के डायरेक्टर महोदय हैं, और मिस्टर राजू जी का इस फोन नंबर 99 34 84 97 98, किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी दोस्तों आप इस नंबर पर मिस्टर राजू जी से ले सकते हैं और आप हमारे कोचिंग के बारे में जान सकते हैं। तो मैं अब यह नंबर एक बार और पढ़ दूं, 99 34 84 97 98, 9934849798। मिस्टर राजू जी से आप किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, वो मेरा विशेष चर्चा आपके साथ ट्रेन, जिसका फर्स्ट से लेकर थर्ड पार्ट वीडियो मैंने रिलीज कर दिया। ये चौथा पार्ट वीडियो है जिस पर आधारित प्रश्न लेकर मेरे असिस्टेंट हाजिर हैं। आज के विशेष प्रश्न, जिसको मैं दो तरीका से आपको समझाने वाला हूं, एक तो बिल्कुल व्याख्यात्मक हल और एक बिल्कुल टेक्निकल हल, जिसे हम मैजिकल सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आता हूं, और आइए पहला प्रश्न पर मिस्टर विकास जी प्रस्तुत कर रहे हैं पहला प्रश्न, जिसे आप देखें बोर्ड। जी हां दोस्तों, प्रश्न है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन बोर्ड पर या आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे हम प्रथमतः व्याख्यात्मक विधि आपको समझाता हूं और उसके बाद इसका मैजिकल सॉल्यूशन दोस्तों आपको दिखाता हूं। जो प्रश्न पढ़ देंगे तो क्विक एंड फास्ट 5 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का हल हम कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले तो व्याख्यात्मक हल इसके पूरे कॉन्सेप्ट से आप परिचित हो जाए। अगर इसे हम प्रश्न पढ़ता चलूं और काम करता चलूं, तो ये तरीका भी कोई ज्यादा बहुत बड़ा या लेंदी नहीं है, कि ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है। कैसे? उसके बाद मैं इसके ट्रिक पर भी चर्चा करूंगा। अभी कैसे देखिए, दो गाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, तो तुरंत एक बराबर का चिन्ह रखा, और बराबर के चिन्ह के बाद हम तुरंत दोस्तों प्रत्येक की लंबाई अगर 200 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई अगर 200 मीटर है, तो हम 200 में 200 जोड़ा तो यह 400 मीटर हुआ। मैं समझाया था यह रेलवे लाइन की पटरी है, यहां पर दोनों का लेंथ जुड़ेगा, तो यदि यह समांतर पटरियों पर चलती है, तो कैसे चलती है, तो विपरीत दिशा में गतिशील होती है, तो विपरीत में दोनों का चाल अगर V1 और V2 मान लो, तो दोनों का चाल V1 प्लस V2, चाल बराबर दूरी, दोनों ट्रेनों का जोड़ा 200 प्लस 200 400, और क्या होता है तब, तो एक दूसरे को पूर्णतः पार करने में 10 सेकेंड का लेता है समय, तो इसका मतलब दोस्तों 400 को 10 से काट लिया तो यह 400 मीटर पर सेकेंड पाला का चाल, दोनों का चालों का जोड़ आ गया, और इसे हम समीकरण एक समझ सकता हूं। जबकि दूसरा है कि यदि
किंतु जब ये एक ही दिशा में गतिशील होती है, इट मींस दोनों के चालों का अंतर होगा v1 माइनस v2, क्योंकि हमने दोनों का चाल v1 और v2 मान रखा हूं। जो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, सपोज उसका चाल दोस्तों हमने v1 समझा, जो स्लोअर ट्रेन है उसका चाल v2 समझा, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलेगा तो दोनों का चाल जुटेगा, और दोनों का चाल जोड़ में तो चाल बराबर दूरी। मैं पहला वीडियो से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट वन से ये कॉन्सेप्ट, दोनों का लेंथ हमने जोड़ा 10 सेकेंड में पार किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v1 + v2 40 मीटर/सेकेंड आ गया। प्रश्न है, किंतु जब ये एक ही दिशा में गतिशील होती है, इट मीन्स जब वह सेम डायरेक्शन में चलती है, तो दोनों चाल घटेगा। फास्टर ट्रेन माइनस स्लोअर ट्रेन v1 - v2 स्पीड का अंतर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दूरी तो दोनों ट्रेनों का 200-200 मीटर ही होगा, प्रत्येक का लेंथ तो 200 मीटर है, तब यह एक दूसरे को पूर्णतः पार करने में मात्र 40 सेकेंड का अगर समय ले, तो यह 40 न है 400, इसका मतलब यह 10 मीटर/सेकेंड है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट और इसे आप इक्वेशन सेकेंड कहते हैं अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा। अब हम अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ लूं, तो दोनों को जोड़ने से v2 और v2 आपका कैंसिल हो जाएगा, v1 और v1 का जोड़ दोस्तों 2v1 और 2v1 बराबर 40 में 10 का जोड़ 50 मीटर/सेकेंड, हेंस v1 = 50 को 2 से भाग लगा देंगे तो यह आपका 25 मीटर/सेकेंड होगा, और 25 मीटर/सेकेंड अगर इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में जहां मन हो रख दें, जैसे फर्स्ट में ही v1 25 रख दूं, तो 25 का मतलब 40 में v1 उधर जाकर घटेगा तो v2 बचेगा, और 40 में अगर 25 घट जाए तो दोस्तों यह 15 मीटर/सेकेंड होगा। हालांकि मैं इसमें ऑप्शन नहीं लिया, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आवर इन्वेस्टिगेटेड क्वेश्चंस, इसमें हम कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोनों गाड़ियों की गति हमने m/s में ले आया, अब m/s से अगर km/h हो तो उसे आप 18/5 से गुना करेंगे, 5 से या 5 × 5 = 25, 18×5 या 90 km/h होगा, और इसको भी अगर 18/5 से गुना कर लेंगे तो 5 × 15 = 18 = 54 km/s स्पीड आ जाएगा, अर्थात फास्टर ट्रेन का स्पीड 90 km/h, जबकि स्लोअर ट्रेन का स्पीड दोस्तों आपका हो जाएगा 54 km/h, और इस तरह प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे। लेकिन आज से आपको समझा दूं ये टाइम कि जब दो रेलगाड़ियां, वो तो अभी 200-200 मीटर का था, मे बी अब इसका दोनों गाड़ियों का डिस्टेंस डिफरेंट होता, मे बी हो सकता था, तो हम ऐसे प्रश्नों का हल इस तरह दो समीकरण बनाकर पढ़ता जाऊंगा तो हल कर सकता हूं, नहीं तो जब दो रेलगाड़ियां सेम लेंथ की या डिफरेंट लेंथ की एक दूसरे को विपरीत पार करें, वहां का समय पता हो, और जब वह एक ही दिशा में पार करे वहां का भी समय पता हो, तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों v1 और v2 निकालने का इस तरकीब से हटकर एक क्विक एंड फास्ट विदिन 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर आप ऐसे प्रश्न का हल कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जो प्रोसेस उसे देखें जी। तो अभी अभी हमने देखा इसका अल्जेब्रिक स्टाइल क्या था क्वेश्चन बनाने का, कि दो समीकरण से दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट v1 निकालने का अगर या v2 निकालने का जरूरत हो, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, और आप 2 से 4 सेकेंड के अंदर 5 सेकेंड, हमारे समझ से अगर थोड़ी भी कैलकुलेशन आपको आता होगा तो 5 सेकेंड इनफ है आंसर। कैसे, तो आपका प्रत्येक गाड़ी का लेंथ है दोस्तों 200, मैं v1 निकाल रहा हूं, v1 का मतलब समझे फास्टर ट्रेन का स्पीड,
भीतू का मतलब समझे स्लोअर ट्रेन का स्पीड। अब इस 200 को आप कुछ ना करें, आप देख रहे हैं कि विपरीत पार करने का समय है 10 सेकेंड और एक ही दिशा में पार करने का समय दिया हुआ है 40 सेकेंड। आप कुछ ना करेंगे, V1 निकालना हो तो 200 आगुने V1 का मतलब इतना समझिए कि अगर फास्टर ट्रेन का मुझे स्पीड बताना हो तो इस दोनों टाइम को जोड़ देंगे, अर्थात आप 40 में 10 को प्लस करेंगे या 10 में 40 को प्लस करेंगे और नीचे सीधा ये दोनों टाइम का गुना कर लेंगे तो दिस इज योर नाउ आंसर। आप इसे कहेंगे या 40 10 तो 50 है और आप यहां देखें तो यहां कहेंगे 40 पंचे 200, 5 दुनी 10, ऊपर में 50 बटे 2 का मतलब दोस्तों 25 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। और किलोमीटर पर घंटा में जस्ट बताया था 18 बटे 5 से गुना करूंगा या आपका 5 तिया 15 और 18 तिया 54 किलोमीटर पर घंटा आपका सीधा आंसर। विद इन 2 to 5 सेकेंड इज इनफ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फास्टर ट्रेन में ध्यान रखना है, यहाँ दोनों टाइम को दोनों समयों को हम यहाँ जोड़ लेते हैं, दोनों से गुना करते हैं। यही क्रिया मुझे स्लोअर ट्रेन का स्पीड में करना है, लेकिन फास्टर का माने ज्यादा, ज्यादा का माने दोस्तों प्लस और स्लोअर का मतलब धीमी गति वाली ट्रेन, तो धीमी गति का मतलब ज्यादा नहीं कम और कम का माने प्लस नहीं माइनस। तो क्या करेंगे, 200 और 40 में यहाँ 10 को घटा लेंगे और बटे तुरंत दोस्तों 40 को 10 से गुना कर लेंगे। मुझे पता है कि यह सीधा फिर 40 पंचे 200, 5 दुनी 10, 40 में 10 जाएगा 30 को 2 से भाग लगाएंगे यह 15 मीटर पर सेकेंड आएगा और इसको अगर 18 बटे 5 से गुना कर लूं तो सीधा कहेंगे 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर घंटा। और देखते ही आपका प्रश्न थोड़ी भी एफिशिएंसी होगा तो यह 200 आगुने अगर पूछते परीक्षा में फास्टर ट्रेन का स्पीड बताइए तो तुरंत 200 आगुने इन दोनों टाइमों को जोड़ लेंगे 50 और नीचे अगर 40 गुने 10 माने 400 से भागा तो हमारे समझ में दोस्तों ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसका क्रिया मौखिक किया जा सकता है और ऐसे प्रश्न का उत्तर नन पेन ड्रॉप मेथड बिना कलम गिराए आप इसका आंसर दे सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ कॉपी एंड पेन टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ यू हैव एफिशिएंसी। अगर आप में क्षमता है तो ऐसे प्रश्न को यू कैन सॉल्व विद इन सेकेंड एंड दिस मैजिकल टेक्निक इज मोर नहीं बट मोस्ट यूजफुल टू सॉल्व इन दी आवर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ आवर एग्जामिनेशन पीरियड। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, देखा जाए दोस्तों, हेलो जी, ध्यान दें, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, अपना दिमाग बिल्कुल केंद्रित करें, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसे अगर बनाया जाए, जो मैं बना रहा हूं पहले इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लें ताकि मैथमेटिकल अप्रोच भी आपका बन सके और उसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ पुनः एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा ऐसे प्रश्न के लिए जिसे दुनिया में ट्रिक कहा जाता है, लेकिन मैं ट्रिक शब्द अच्छा नहीं समझता, मैं टेक्निक समझता हूं और उस टेक्निक का प्रयोग अगर आप करें तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पुनः 5 से 10 सेकेंड के अंदर बना के तुरंत हटा सकते हैं, लेकिन इसके मैथमेटिकल जो फॉर्म है, जो गणितीय रूप है, उस गणितीय रूप को पहले देखने का प्रयास करें दोस्तों। प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में गतिशील है, पहली गाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में, तो जो ही पहली गाड़ी 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करेगा तो दोस्तों अपना लेंथ अब प्लस 300 मीटर या संपूर्ण डिस्टेंस कवर करेगा, चाल बराबर दूरी अब बट्टे समय जो ले रही है दोस्तों या 20 सेकेंड, तो नीचे 20 रख दिया और यह
प्लेटफॉर्म को पार किया है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 सेकेंड में, तो यह रेलगाड़ी की चाल आ गया। तथा फिर रखा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 5 सेकेंड में पार करती है, तो जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपना लेंथ बटे 5 सेकेंड, और यह दोनों एक ही रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी है तो उसके लिए हमने दोनों का दोनों स्थितियों में, दोनों का नहीं बल्कि दोनों स्थितियों में, कब कब, तो जब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार की तब रेलगाड़ी का चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, जब सिर्फ एक व्यक्ति को पार की तो अपना दूरी बटे लिया गया समय रख दूं, तो यह दोनों पहली रेलगाड़ी का ही न चाल है, इसलिए यह दोनों बराबर है। अब इससे आप चाहें तो 5 से काट ले, 5 चौका 20, 4L में L गया 3L, और बोलेंगे 4L में L गया 3L बराबर 300, तो इस तरह L बराबर दोस्तों 300 मीटर आ गया। और जब L बराबर 300 मीटर आ गया और इस L का मान अगर मैं यहां पर रख दूं या यहां, जी 4L माइनस L बराबर 3L और 3L बराबर 300, तो L बराबर दोस्तों 300 मीटर को 3 से अगर भाग लगा दूं तो यह वास्तव में 100 मीटर का लेंथ होगा। और 100 मीटर का ट्रेन अगर निकल गया लेंथ तो आप लेफ्ट तरफ या राइट तरफ रख दें तो आपका स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम रेलगाड़ी की चाल ले लूं तो इसका चाल हम बोल सकता हूं सपोज V1, लेंथ अगर बोल लूं L1, तो L1 का वैल्यू आ गया 100 मीटर पहली रेलगाड़ी के लिए, और स्पीड लेने के लिए यहां लेंथ अगर रख दूं 100 और इसको 5 से भाग लगा दूं तो 5 से यह कटकर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यह मेरा चाल हो गया। अब सेकेंड गाड़ी के लिए देखिए लिख रहा है कि दूसरी गाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में, तो दूसरी गाड़ी का लेंथ दोस्तों मान लिया L2, और दूसरी गाड़ी 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म रखा है तो इसमें 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जोड़ दिया और यह पार करने में ले रहा है 25 सेकेंड, तो दिस इज द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। और फिर कहता है तथा एक बिजली के खंभे को 5 सेकेंड में जब पार करती है तो वहां इसी तरह L बटे 5 सेकेंड होगा, लेकिन यहाँ L नहीं L2 लेंगे, और तब हम अगर काट लूं तो 5 से 25 या 5L2 में L2 गया 4L2, और कहेंगे 4L2 बराबर 500, तो L2 बराबर 500 बटे 4, और इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 125 मीटर पर सेकेंड। अब प्रश्न है कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पूर्णतः पार करने में कितना समय लेगी। तो अब जब दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो चूंकि हम ऊपर में पहला लाइन देखा हूं कि दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में गतिशील है, तो यह L1 लेंथ वाला ट्रेन के अपोजिट में ना L2 वाला लेंथ है। तो अब हम क्या करेंगे कि मेरा L2 अगर सपोज यहाँ 125 आ गया तो यह L2 का वैल्यू अगर यहाँ पर रख दूं तो V2 या यह सेकेंड ट्रेन का जो चाल लेंगे दोस्तों, तो L2 का मतलब 125 और बटे अगर 5 रख दूं तो यह दोस्तों मेरा 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और अब मुझे V1 भी पता लग चुका है, मुझे V2 भी अर्थात पहली रेलगाड़ी का भी चाल, दूसरी रेलगाड़ी का भी चाल, पहली रेलगाड़ी का लेंथ, दूसरी रेलगाड़ी का लेंथ जब मुझे मालूम है, तो हमें पूछ रहा है कि जब विपरीत दिशा में हो और तब एक दूसरे को पार करने का टाइम, तो दोनों चाल को क्यों बदलूं तब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा, दोनों को जोड़ लूं तो 25 और 20 को हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे 25 + 20 चाल। अब बराबर दोनों गाड़ियों का लेंथ आपस में जुटेगा तो 100 मीटर
और L2 का मतलब 125 मीटर और टाइम बताना है तो दिस इज योर टाइम, या 25 और 20 होगा 45 और यहाँ आगे थोड़ा बढ़ाऊं तो 45 बराबर 100 और 125 225 बटे टी और 45 से 225 कट गया 5, इसीलिए हम बोल सकता हूँ कि टी मेरा 5 सेकेंड मेरा ऑप्शन आ गया। और इस तरह इस प्रश्न को एक बार फिर आप सबको समझा दूं और इसे बारीकी से समझें। प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील है, जिसमें पहले गाड़ी का कंडीशन अलग रखा है, दूसरे गाड़ी का कंडीशन अलग रखा है। पहले गाड़ी का कंडीशन में वह 300 मीटर का प्लेटफॉर्म 20 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर अपना लेंथ L1 प्लस मान लिया लेंथ गाड़ी का L1 300 मीटर बटे 20 सेकेंड, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 5 सेकेंड में यही ट्रेन पार करती है, तो यहाँ चाल बराबर अपनी दूरी L1 बटे समय 5 सेकेंड। इसका कैलकुलेशन करके हमने L1 लाया 100 मीटर, L1 का मान यहाँ या यहाँ कहीं भी आप रख दें तो उससे मेरा V1 फाइंड हो गया पहले रेलगाड़ी का चाल। सेम इसी तरह दूसरे गाड़ी का लेंथ L2 माना और यह 500 मीटर का प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में जो ही भाग लगाया पार करती है, तो यह रेलगाड़ी का चाल हो गया, जबकि यह एक व्यक्ति को 5 सेकेंड में, तो अपनी दूरी बटे 5 सेकेंड। इससे जब मैं L2 फाइंड किया तो यह 125 मीटर पर सेकेंड हो गया, इससे दोस्तों मेरा V2 फाइंड हो गया। और जब मेरा V2 और V1, L1 और L2 सब मालूम है और दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत गतिशील है, तो तुरंत हमने प्रश्न में देखा कि पूछ रहा है कि एक दूसरे को पूर्णता पार करने में कितना टाइम लेगी, तो तुरंत हमने दोनों चालों को जोड़ लिया बराबर विपरीत के कारण और फिर लेंथ दोनों का जोड़ के टाइम से भाग लगाया। कैलकुलेशन से मेरा टी 5 सेकेंड आया और मेरे समझ में दोस्तों यह एक काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है और इसमें अगर कहीं कैलकुलेशन चूक हो जाए तो मेरा हो सकता है कि प्रश्न गलत बन जाए, तो इसी ख्याल से ऐसे प्रश्न के लिए मैं आपके नजदीक बहुत ही अलबेला और जादुई तरीका रख रहा हूं, जिसे आप देखें और विद इन 5 to 10 सेकेंड आप आंसर इसका बता दें। कैसे? तो इसके लिए मैं आपको सेकेंड मेथड समझाता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न के माध्यम से मैं इस चैप्टर का कुछ कंक्लूजन आपको बताना चाह रहा हूं, जिसे आप ट्रिकी अप्रोच के सहारे समझें या उसे टेक्निकल अप्रोच समझें। देखिए, ऐसा प्रश्न कभी भी आपको दिखाई दे कि कोई भी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करे कि एक सुरंग को पार करे या किसी ब्रिज या पुल को पार करे या किसी रुकी हुई ट्रेन को पार करे, अर्थात ऑब्जेक्ट जिसको पार कर रही हो वह स्टैटिक हो, अस्थिर हो, रुकी रहने वाली चीज हो, तो ऐसे परिस्थिति में अगर मुझे चाल पता करना हो तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे दो बातों का जिक्र कुछ भी नहीं करना है। पहली रेलगाड़ी का लेंथ यदि निकालेंगे, सॉरी स्पीड कभी निकालेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना हो। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी ठहरे हुए ट्रेन को, ध्यान रखेंगे माने चलती हुई रेलगाड़ी किसी लंबाई युक्त जगह को अगर पार करे और पुनः वही रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या ब्रिज या सिग्नल पोल या किसी भी स्तंभ या खंभे को पार करे, मतलब एक पॉइंट को पार करे, और इन दोनों परिस्थितियों में हमें समय का जिक्र करेगा ही प्रश्न में, तो मुझे इक्वेशन का मेथड लेने का आपसे कोई भी झंझट नहीं है और चाल हम डायरेक्ट प्राप्त करेंगे। कैसे? तो पहली रेलगाड़ी का कंडीशन देखिए कि यह एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है जिसका टाइम है 20 सेकेंड, वह कितने मीटर का प्लेटफॉर्म है? 300। तो आप चाल बराबर दोस्तों समझते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, चाल बराबर
दूरी हम देख लेंगे कि हमारा दूरी है 300 मीटर का ऑब्जेक्ट जिसको पार कर रही है, और इस 300 मीटर में हम चाल बराबर दूरी बटे समय से भाग लगाएंगे, तो आपको समय का मतलब ये प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड और खड़े व्यक्ति को पार करने में 5 सेकेंड, अगर इसे आप घटा देंगे ना दोस्तों तो 20 में 5 या 15 और 15 से 300 में भाग लगाएंगे तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप क्विक एंड फास्ट, जिसे मैं पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था उसे अभी दिखा रहा हूं कि जब एक ट्रेन के लिए दो कंडीशन दे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब एक ट्रेन के लिए दो कंडीशन दे कि चलती हुई कोई ट्रेन किसी पुल, किसी ब्रिज, किसी सुरंग टनल जिसको बोलते हैं, या किसी प्लेटफॉर्म या किसी खड़ी ट्रेन को पार करने का समय बोल दे और उसका लेंथ भी बोल दे जिसको पार कर रही है, जैसे बोला है 300 मीटर का प्लेटफॉर्म था, और उसके बाद जब व्यक्ति को पार करे या कोई स्तंभ पॉइंट को पार करने का टाइम दे दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, चाल बराबर वही प्लेटफॉर्म का दूरी ले लिया जो अस्थिर वस्तु है उसका संबंध देगा, अब दोनों टाइम का डिफरेंस से भाग लगा दिया, 20 मीटर पर सेकेंड इसका हो गया चाल, और हमें लेंथ अगर निकालना पड़े दोस्तों तो अगर लेंथ इसका L1 कहूं तो चाल बराबर दूरी निकालना पड़े तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल तो मुझे 20 पता ही है मीटर पर सेकेंड, और व्यक्ति का जो टाइम है पार करने का उसके टाइम से गुना कर लें तो आपका 100 मीटर मजे में आ गया लेंथ भी। अब यही कंडीशन से अगर दूसरे ट्रेन का स्पीड देख लूं तो देखा जाए दूसरा ट्रेन 500 मीटर का प्लेटफॉर्म पार कर रही है, तुरंत 500 मीटर रखा और 500 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम 25 सेकेंड, और जब यह व्यक्ति को पार करता है या बिजली खंभा देख सकते हैं आप पॉइंट को पार कर रहा है तो 5 सेकेंड, 5 घटाया 25 में 5 गया 20 से इसको काटा ये 25 मीटर पर सेकेंड, और इस तरह अगर यहाँ पर लेंथ देखूं तो हम फिर अगर दूरी निकालूं L2 तो इस ट्रेन का लंबाई L2 की किसी भी ट्रेन का लंबाई माने चाल गुने समय, तो चाल मेरा है 25 मीटर पर सेकेंड, और मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉइंट को पार करने का टाइम 5 सेकेंड, इससे अगर गुना कर लेंगे तो 25 पंचे 125 मीटर का मेरा दूसरा ट्रेन हो जाएगा, और जब विपरीत दिशा में पार करे तब अगर मुझसे टाइम पूछा गया तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दोनों का लेंथ जोड़ेंगे, दोनों ट्रेन अब एक दूसरे को न पार करेगी तो उसमें 100 प्लस 125 बटे समय का जहां तक बात है तो यहां पर समय हम दोनों ट्रेन में जो 20 और 25 देख रहा हूं टाइम, ये 20 सेकेंड का और ये 25 सेकेंड का टाइम जो आप देख रहे हैं, ये 20 और 25 को नीचे जोड़ लेंगे तो हम बोलेंगे या प्लेटफॉर्म को पार करने वाला टाइम से यहाँ भाग लगा देंगे 125 और 100 225 अब बटे 25 और 20 45 से 225 को काटूंगा तो 45 पंचे 225 5 सेकेंड दोस्तों आपका आंसर बहुत मजे में निकाला जा सकता है, और ऐसे प्रश्न का हल हमारे समझ में 5 से 10 सेकेंड के अंदर आप कर सकते हैं, और यह शायद आपको बहुत ही अच्छा टेक्निक लगा होगा, और जब यह प्रश्न कभी कभी, अभी तो मैं एक बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आपको दिखाया जिसमें एक ट्रेन का दो कंडीशन, दूसरा ट्रेन का भी दो कंडीशन, कभी कभी यह प्रश्न हाफ ही परीक्षा में एक कंडीशन पर आता है जिसके संबंध में हमने वीडियो 1, 2, 3 दिखाया हूं, लेकिन उसमें दोस्तों ऐसा हमने टेक्निक V1 और M1 निकालने का नहीं बताया तो आपको समझा दूं कि कोई भी ट्रेन जब इस तरह किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ बटे प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम बटे व्यक्ति के लेंथ, व्यक्ति को पार करने के टाइम का अगर डिफरेंस से आप भाग लगा देंगे तो यह डायरेक्ट इसका चाल आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, लिखने का तरीका समझ गए, L1 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड और चाल में
व्यक्ति को पार करने का टाइम से गुना कर लेंगे तो यह ट्रेन का लेंथ आएगा। इसी तरह मैं V2 और L2 भी फाइंड किया और प्रश्न था कि जब विपरीत दोनों ट्रेनें चलेगी तो एक दूसरे को पार करने का समय, तो समय बराबर दूरी, तो दूरी दोनों ट्रेनों का मुझे दोस्तों L1 L2 पता है 100 मीटर और 125 मीटर। और यहाँ जो नीचे समय का जिक्र करूंगा वो प्लेटफॉर्म को पार करने वाला टाइम पहली ट्रेन का दूसरी ट्रेन का ज्यों ही जोड़ेंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर फाइंड हो जाएगा। और इस तरह इसमें अगर देखा जाए तो वास्तव में 3-4 प्रश्नों का मिलन करवा करके यह प्रश्न बनाया गया था जिसका सॉल्यूशन शायद आपको दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। मैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। दोस्तों आपको आज मैंने कहने को तो दो ही प्रश्न इस वीडियो में दिखाया लेकिन मुझे शायद विश्वास है दोस्तों कि संपूर्ण ट्रेन पर आने वाले क्वेश्चन को मैं दो प्रश्न के माध्यम से, अगर आप इन दोनों प्रश्न को आप सीखे होंगे और आप जान गए होंगे तो शायद ट्रेन पर आधारित बहुत लंबे लंबे प्रश्न सबको भी जो मैंने पीछे बनाया है उसको भी इन सब टेक्निक का प्रयोग करके आप बहुत मजे में ट्रेन का प्रश्न हल कर सकते हैं। दोस्तों आज का मुलाकात समाप्त हुआ और मुझे विश्वास है कि कहने को नंबर में दो ही प्रश्न लेकिन अगर माना जाए तो यह पूरे चैप्टर का कंक्लूजन इन दो प्रश्नों में था और आपको शायद स्वीकार भी करना पड़ेगा। तो जाते जाते मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूं, आपसे एक अनुरोध करूं, आपसे एक अपील करूं कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे दोस्तों। और आज के क्लास के लिए आप अपने साथी, अपने मित्र आनंद कुमार कर्ण को इजाजत दीजिए। मैं पुनः अगले वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत रहूंगा इसी तरह का बेहतरीन चैप्टर, बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।